प्रणाम सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री कलश ग्रंथ गुजराती को पूर्ण किया था। आज हम आगे के श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी को प्रारंभ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी। कछु इन विध कियो रासो, खेल फिरे घर, खेल देखन के कारण आइया उमेदा कर। इंद्रावती कहती है, योग माया द्वारा रचित वृंदावन में कुछ इस प्रकार से रास लीला कर, फिर हम ब्रह्म आत्माओं की शूरता क्षण मात्र के लिए अपने मूल घर परम धाम में लौटी। मायावी खेल देखने की इच्छा से ही हम इस संसार में आई थी। उमेदा न हुईया पूरन, धाख मन में रही, तब धनी जिए अंतर्गत हुकुम कियो सही। हमारी इच्छा व्रजराज में पूरी न हो सकी, इसीलिए दुख का अनुभव करने की चाह मन में शेष रह गई। तब धाम धनी ने अंतःकरण में प्रेरणा कर पुनः आदेश दिया। तब तीसरो रच के खेल, श्यामा जी आए ईत, तब हम भी आइया तीत, श्यामा जी खेले जीत। तब इस तीसरे ब्रह्मांड की रचना होने पर सतगुरु श्री देवचंद्र जी के रूप में श्री श्यामा जी का अवतरण हुआ। श्री श्यामा जी जहाँ पर लीला कर रही थी, ऐसे जगत में हम ब्रह्म आत्माएं भी सुरता रूप में आई। श्यामा जी को धनिए आवेश अपनो दियो, सब कह के हकीकत हुकुम ऐसो कियो। धाम धनी ने श्री श्यामा जी को अपना आवेश दिया, उन्होंने उनको सब कुछ समझाया और मायावी जगत में भ्रमित आत्माओं को जागृत करने का आदेश दिया। इंद्रावती लागे पाय, सुनो प्यारे साथ जी, तुम चेतो इन अवसर आयो है हाथ जी। इंद्रावती चरणों में प्रणाम कर कहती है, हे प्यारे सुंदर साथ जी, सुनो, हाथ में आए हुए इस अवसर का लाभ उठाकर सचेत हो जाओ। प्रकरण 1 चौपाई 5। साथ को प्रबोध राग धन्यासरी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी, आप डारिया जो पहले फेरे, भी डारियो निशंक फेर जी। हे सुंदर साथ जी, स्मरण करो कि तीसरे ब्रह्मांड में आने का अवसर हमें मिला है। जिस प्रकार प्रथम अवतरण में व्रज से रास में जाते समय हमने स्वयं को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित किया था, उसी प्रकार जागनी के इस ब्रह्मांड में भी धनी के चरणों में निश्चित रूप से समर्पित हो जाओ। सुंदर बाई इन फेरे आए हैं साथ कारण जी, भेजे धनिए आवेश देय के, अब न्यारे न होए एक खीन जी। श्री सुंदरबाई की आत्मा सतगुरु श्री देवचंद्र जी चंद्र साथ को जगाने के लिए जागनी के इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए हैं। धाम धनी ने उन्हें अपना आवेश देकर भेजा है, अब वे हमसे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होंगे।
सुपने में भी खिन ना छोड़े तो क्यों छोड़े साख्यात जी, दया देखो पीयू जी की हृदय माहे, विध विध की विख्यात जी। स्वप्न यानी व्रज और रास में भी उन्होंने हमें एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा था, तो अब वे हमें साक्षात सतगुरु के रूप में आकर इस जागनी के ब्रह्मांड में कैसे छोड़ेंगे। सतगुरु धनी की दया को अपने हृदय में देखो, वह विभिन्न प्रकार से दिखाई दे रही है। ऐसी बात करे रे पीयू जी, पर ना कछु साथ को सुध जी, नींद उड़ाए जो देखिए आपन, तो आए हैं आप ले नींद जी। प्रियतम धनी हमें जगाने के लिए प्रेम से बातें करते हैं, फिर भी सुंदर साथ को कुछ भी शुद्धि नहीं होती। अज्ञान रूपी नींद को उड़ाकर देखेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि सतगुरु तात्म रूपी निधि लेकर आए हैं। सुपने में मनोरथ किए तो तीत भी पियो जी साथ जी, सुंदर बाई ले आवेश धनी को, न छोड़े आपना हाथ जी। स्वप्न अवस्था में हमने जब सुख की इच्छा की थी तो वहाँ पर भी प्रियतम धनी हमारे साथ रहे। इस जागनी के ब्रह्मांड में सुंदरबाई के अवतार श्री देवचंद्र जी धाम धनी का आवेश लेकर आए हैं, अब वे हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। धनी न देवे दुख तिल जेता, जो देखिए वचन विचारी जी, दुख आपन को तो जो होत है, जो माया करत है भारी जी। धाम धनी हमें थोड़ा सा भी दुख नहीं देते, यदि हम उनके वचनों पर विचार करें तो हमें ऐसा अनुभव होगा कि हम तो सांसारिक सुखों को ही महत्व देकर उन्हीं में मग्न रहते हैं, इसीलिए हमें दुख का अनुभव होता है। अंतर ध्यान समय दुख दिए, ए आशंका उपजत जी, तीन समय संसार न किया भारी, साथे दुख देखे क्यों तीत जी। रासलीला के अंतर्गत श्री कृष्ण जी के अंतर ध्यान होने पर हमें दुख हुआ था, इससे मन में यह आशंका उठती है कि जब गोपियों के रूप में हम व्रज को छोड़कर श्री कृष्ण जी से जा मिले थे तब तो हम लोगों ने संसार को उतना महत्व भी नहीं दिया था, फिर वहाँ हम ब्रह्म आत्माओं ने दुख क्यों देखा। दुख तो क्यों न देवे रे पीयू जी, ए विचार के संसे खोइए जी, याद वचन तो आवे रे सखियो, जो माया छोड़ते घनो रोइए जी। प्रियतम धनी अपनी आत्माओं को किसी भी प्रकार का दुख नहीं देते हैं, इस वास्तविकता पर तारतम ज्ञान द्वारा विचार कर अपने मन के सभी संशय दूर कर लो। जब हमें माया को छोड़ते हुए बहुत रोना पड़ जाएगा तभी हमें धाम धनी के वचन याद आने लगेंगे। खेल याद देने को मेरे पीयू जी, दुख दिए अति घने जी, साथे मनोरथ एह जो किए, धनिये राखे मन आपने जी। दुनिया के खेल याद दिलाने के लिए ही धाम धनी ने हमें अंतर ध्यान के समय विरह का घोर दुख दिया, क्योंकि हम सब ब्रह्मात्माओं ने परम धाम में यही इच्छा की थी, इसीलिए धाम धनी ने दुख का अनुभव करवाकर हमारी मनोकामनाएं पूर्ण की। आपन माया की होश जो करी, और माया तो दुख निधान जी, सो याद देने को रे साथ जी,
पीयु भय अंतर ध्यान जी। हे सुंदर सात जी, हमने स्वयं ही माया का खेल देखने की तीव्र इच्छा व्यक्त की थी और यह माया तो निश्चय ही दुख रूपिणी है। हमें इन दुखों को याद कराने के लिए ही अपने प्रियतम श्री कृष्ण जी रासलीला करते हुए अंतर्ध्यान हुए। ना तो ए अपना रे पीयू जी, अधखिन बिछोहा ना सहे जी। एह विचार जो देखिए साथ जी, तो तारतम प्रगट कह हे जी। अन्यथा हमारे धनी आधा क्षण के लिए भी हमारा वियोग सह नहीं सकते। हे सुंदर साथ जी, यदि इस बात पर विचार कर देखेंगे तो तारतम ज्ञान इस रहस्य को स्पष्ट कर देगा। इन समय तारतम की समझन, क्यों कर कहिए सोए जी। अनेक विध का तारतम ईत, तब घर लीला प्रगट होए जी। इस समय हमें तारतम ज्ञान की समझ प्राप्त हुई है, इसीलिए कैसे कहें कि उस समय धनी ने हमें दुख दिया, क्योंकि इस जागनी के ब्रह्मांड में तारतम ज्ञान अपने अखंड प्रकाश के द्वारा व्रज, रास, जागनी एवं परमधाम की विभिन्न लीलाओं को स्पष्ट कर रहा है। पहे चानवे को पीयू जी अपना, करु तारतम विचार जी। साथ सकल तुम लीजो दिल में, ना रहे संसे लगार जी। अपने धाम धनी और परम धाम की पहचान करवाने के लिए मैं तारतम के वचनों का विवेचन कर रही हूँ। हे सुंदर साथ जी, तुम सब अपने अपने मन से इस पर विचार कर लो, अब थोड़ा सा भी संशय शेष नहीं रहेगा। पहली बेर तहां ए नींद ना होती, तारतम ज्योत रोशन जी। तो ए फेरा हुआ रे साथ को, तुम देखो विचारी मन जी। प्रथम बार व्रज तथा रासलीला के समय तारतम ज्ञान रूपी निधि नहीं थी और उसका प्रकाश भी नहीं था, इसीलिए हमें पुनः इस ब्रह्मांड में आना पड़ा है। इस बात पर विचार करो। आशंका ना रहे किसी की, जो कीजे तारतम विचार जी। सो रोशनाई ले तारतम की, आए आपन में आधार जी। यदि तारतम ज्ञान पर विचार करके देखें तो किसी के भी मन में किसी भी प्रकार की आशंका नहीं रहेगी। ऐसे तारतम ज्ञान का प्रकाश लेकर धाम धनी हमारे बीच सतगुरु श्री देवचंद्र जी के रूप में पधारे हैं। अब इन उजाले जो न पहचाने, तो आपन बड़े गुनहगार जी। चरने लाग कहे इंद्रावती, पीयू जी के गुण अपार जी। अब भी इस तारतम ज्ञान के प्रकाश में अपने सतगुरु को नहीं पहचान सके तो हम बहुत बड़े अपराधी होंगे। इंद्रावती चरणों में प्रणाम कर कहती है, प्रियतम धनी के गुण असीम है। प्रकरण 2 चौपाई 21। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी का प्रकरण 1 और प्रकरण 2 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रकरणों का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।